Dear students, welcome to learning management system of Saath Kamyabi Hamare Saath. Dear students, आज हम discuss करने जा रहे हैं entry test का पहला test, जो कि chapter 1+2 का है. ये discussion और ये session particularly ECAT के स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया गया है. अगर आप ये पूरा सेशन अच्छे से कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन यूईटी में गारंटीड है. हमारे स्लोगन के मुताबिक साथ कामयाबी हमारे साथ. तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, क्विक एंड कंटामिनेशन फ्री फिल्ट्रेशन इज कैरीड आउट बाय. फिल्टर पेपर से तो कंटामिनेशन हो जाती है क्योंकि फिल्टर पेपर के फाइबर मिक्स हो जाते हैं. फ्लोटेड फिल्टर पेपर, अगरचे फिल्ट्रेशन थोड़ी सी तेज हो जाती है क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होता है, लेकिन इसके बावजूद फिल्टर पेपर है तो कंटामिनेशन होगी. गूज क्रूसेबल और सिंटर्ड ग्लास क्रूसेबल दोनों में फिल्ट्रेशन काफी तेज होती है और दोनों के साथ सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस भी लगा सकते हैं. लेकिन सिंटर्ड ग्लास क्रूसेबल में किसी प्रेपरेशन की, किसी फिल्टर पेपर की जरूरत नहीं होती. इसका मतलब है सबसे अप्रोप्रिएट आंसर सिंटर्ड ग्लास क्रूसेबल यानी डी बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन पेपर क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज. पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज वाटर होता है और वाटर लिक्विड है, और मोबाइल फेज कोई ऑर्गेनिक लिक्विड होता है. तो इसमें दोनों ही लिक्विड होते हैं, लिक्विड लिक्विड. क्वेश्चन नंबर 3, इंडिकेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. गलत स्टेटमेंट बतानी है. तो इसमें डियर स्टूडेंट्स गलत स्टेटमेंट है एनिमल चारकोल एब्जॉर्ब. ये एब्जॉर्ब नहीं करता, एडजॉर्ब करता है. तो ये गलत स्टेटमेंट है ए वाली. बाकी सारी स्टेटमेंट्स इसमें ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सॉल्वेंट एक्सेप्ट. सारी गुड सॉल्वेंट की करेक्टरिस्टिक्स हैं सिवाय गुड सॉल्वेंट इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, ठीक है. इट शुड डिपॉजिट वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स. यहां तक तो बात ठीक थी. ऑफ इम्प्योरिटीज एज वेल, ये गलत है. इम्प्योरिटीज की वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स नहीं बननी चाहिए. इम्प्योरिटीज क्रिस्टलाइज आउट नहीं होनी चाहिए. सिरप और सिरप सॉल्वेंट में हमारा सोल्यूट क्रिस्टलाइज आउट होना चाहिए. इट शुड बी इजी एंड सेफ टू हैंडल. यस, नॉट केमिकल रिएक्ट. रिएक्शन कर गया तो फिजिकल चेंज नहीं, केमिकल चेंज आ जाएगी. तो इसका आंसर बी बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है. 2 moles ऑफ फास्फोरिक एसिड प्रोड्यूस हो मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइंस. फास्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या है? H3PO4. यानी एक मोल हो तो 3 हाइड्रोजन आयन देता है, लेकिन हमारे पास 2 moles हैं. 2 moles का मतलब है 6 हाइड्रोजन आयन आएंगे, यानी आंसर बन जाएगा डी. इसी तरह ऑल ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन एक्सेप्ट. डियर स्टूडेंट्स, फिल्ट्रेशन तब होती है जब एक सोल्यूबल हो और दूसरा इनसोल्यूबल हो. KNO3, CaCO3, KNO3 सारे नाइट्रेट पानी में सॉल्यूबल होते हैं. ये सॉल्यूबल है कैल्शियम कार्बोनेट, इन सॉल्यूबल है, फिल्ट्रेशन हो जाएगी. AgCl, CaCl2, AgCl इन सॉल्यूबल है, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूबल है, फिल्ट्रेशन हो जाएगी. NaCl, CuSO4 दोनों ही हाईली सॉल्यूबल हैं. अगर दोनों ही सॉल्यूबल हों तो फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती. तो इसका आंसर सी बन जाएगा. इसी तरह सब्लिमेशन कैन बी यूज टू प्यूरिफाई. सब्लिमेशन अमोनियम सल्फेट नहीं होती, सोडियम क्लोराइड नहीं होती, लेड कार्बोनेट नहीं होती. बेंजोइक एसिड की सब्लिमेशन हो जाती है. तो आंसर डी होगा. इसी तरह परसेंटेज ऑफ कैल्शियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट. परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जिस एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी होती है उसका मैस डिवाइडेड बाय टोटल मैस, उसको टोटल से डिवाइड कर देते हैं इनटू 100. तो इसमें कैल्शियम का मैस कितना है? 40. टोटल कैल्शियम 40 है, कार्बन 12 है, 3 ऑक्सीजन 48 है. 100 × 100 ये आ जाएगा 40%. तो आंसर बन जाएगा ए. इसी तरह 20 grams of each of nitrogen and hydrogen react with each other to form ammonia.
और मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया कितना बनेगा जब 20 ग्राम दोनों का, और नाइट्रोजन का भी और हाइड्रोजन का भी। तो सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिख के देखते हैं। नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से मिलता है, 2 मोल अमोनिया बनता है। नाइट्रोजन का मास कितना है 28, हाइड्रोजन का 3 × 2 = 6, 6 ग्राम, और अमोनिया 2 मोल है, 1 मोल 17 ग्राम होता है, 2 मोल 34 ग्राम बन जाएगा। अब हमारे पास ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये जो मैंने रेड में लिखा है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब जो उसने दिया वो क्या है, वो कहता है 28 ग्राम नाइट्रोजन है और 28 ग्राम ही हाइड्रोजन है, दोनों 28 ग्राम है। हालांकि 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हमें हाइड्रोजन कितना चाहिए, 6 ग्राम चाहिए सिर्फ। इसका मतलब है हाइड्रोजन एक्सेस दिया गया है। अगर हाइड्रोजन एक्सेस दिया है तो ये प्रोडक्ट को कंट्रोल नहीं करेगा, हम सिर्फ नाइट्रोजन के रेफरेंस से देखेंगे। तो नाइट्रोजन जब 28 होता है तो ये 34 ग्राम बनता है, इसका मतलब है आंसर बी बन जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, मास स्पेक्ट्रम नंबर ऑफ आइसोटोप्स कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द नंबर ऑफ पीक्स, जितनी पीक्स उतने ही आइसोटोप्स होते हैं, आंसर सी बनेगा। पोजिशन ऑफ द पीक से मास का पता चलता है, हाइट ऑफ द पीक और रिलेटिव अबंडेंस एक ही बात है, जितनी हाइट ज्यादा होगी उतनी ही रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा होगी। डियर स्टूडेंट्स, डायमीटर ऑफ एन एटम, एटम का डायमीटर कितना होता है, एटम का डायमीटर 0.2 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर की जगह हम 10⁻⁹ लिख लेते हैं मीटर, 0.2 को जब 2 करेंगे तो ये 10⁻⁹ हो जाएगा, इसको 20 करेंगे तो 10⁻⁻ हो जाएगा, और जब इसको 200 करेंगे 10⁻½ हो जाएगा, यानी ये पिकोमीटर बन जाएगा। तो आंसर बन जाएगा 200 पिकोमीटर, ये सी बन गया इसका, सॉरी इसका आंसर बी नहीं आना, इसका आंसर डियर स्टूडेंट सी बनेगा, ये 200 पिकोमीटर आंसर है, यहाँ गलत मार्क हो गया है, इसका आंसर सी आएगा। इसी तरह डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट होती है, क्योंकि मास डिफरेंट होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, तो ये सी इसका आंसर बन जाएगा। इसी तरह हीलियम इज द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी विद हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका मतलब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। हाइड्रोजन में 1 होता है लेकिन हाइड्रोजन +1 में कोई भी नहीं बचेगा। लिथियम में 3 होते हैं लेकिन +2 का मतलब है इसमें 1 रह गया। बोरोन में 5 होते हैं, +2 का मतलब है इसमें 3 बाकी हैं। कार्बन में 6 होते हैं, +4 का मतलब इसमें 2 रह गए। तो इसमें भी 2 हैं, हीलियम में भी 2 हैं, इसका मतलब दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम स्पीशीज, तो इसका आंसर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका आंसर डी बन जाएगा। इसी तरह एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन, डियर स्टूडेंट जब भी दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो प्रोसेस एंडोथर्मिक ही होता है। जब भी दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एटम पर तो पहले ही आयन बना होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आया होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो आंसर बन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर एनाइंस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एनाइन, एनाइन आयन कैसे बनते हैं इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से। गेन जब होगा तो एनाइन बनेगा, गेन कब होगा जब लो एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, लो एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज लेके आना है तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये आंसर बन जाएगा डी। इसी तरह मास स्पेक्ट्रोमीटर कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड, एक तो मास का पता चलता है और दूसरा इसमें नंबर ऑफ आइसोटोप्स का पता चल जाता है। नंबर ऑफ आइसोटोप्स, जितने नंबर ऑफ पीक्स आएंगी उतने ही नंबर ऑफ आइसोटोप्स आ जाएंगे, तो ये आंसर बन जाएगा सी। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर भी यहाँ पर गलत मार्क हो गया है, इसका आंसर यहाँ पर सी होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ आइसोटॉप्स का पता चलता है, तो यहाँ सी आएगा इसका आंसर। इसी तरह नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ कैडमियम आर 9, कैडमियम के 9 आइसोटॉप होते हैं, इसका आंसर डी बन जाएगा। 1 AMU इज इक्वल टू, ये आपको AMU की वैल्यू आनी चाहिए, AMU की वैल्यू 1.661 × 10⁻²⁴ ग्राम है, इसका आंसर सी बन जाएगा। इसका आंसर भी गलती से ए मार्क हुआ हुआ है, लेकिन आपने याद रखना है इसका आंसर सी है, 1.661 × 10⁻²⁴
4 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इन कंबस्टन एनालिसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्सॉर्ब्ड बाय 50% KOH, KOH कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्बर होता है और MgCl2 ट्वाइस जो होता है ये वाटर अब्सॉर्बर होता है। अब KOH की परसेंटेज 70% नहीं होती, 50% होती है, तो इसका आंसर डी बन जाएगा। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर मास 18 ऑफ वाटर मींस 18 उसका एक मोल है, एक मोल को एक ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूल का एक मोल है, तो ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन जाएगा बी। इसी तरह विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन किसमें है, ग्लूकोज, ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन है, तो एक मोल ग्लूकोज का अगर हो 180 ग्राम का मतलब एक मोल है तो 6 ऑक्सीजन आते हैं, इसमें 4 आएंगे क्योंकि एक मोल है 98 ग्राम, एक मोल 4 है, 58 ग्राम वाटर है, वाटर का 58 ग्राम हो तो 3 मोल बनते हैं, 3 ऑक्सीजन, और 120 ग्राम यूरिया के 2 मोल बनते हैं, 2 मोल में 2 ऑक्सीजन आएंगे, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ग्लूकोज यानी डी में आ जाएंगे। इसी तरह इन मास स्पेक्ट्रोग्राफ मास टू चार्ज रेशियो इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, एक्सप्रेशन क्या होता है, मास टू चार्ज वैल्यू इज इक्वल टू एच स्क्वायर आर ओवर 2e। अब एच स्क्वायर आर तो इसका मतलब रेडियस से इसका डायरेक्ट रिलेशन बनता है क्योंकि मास टू चार्ज वैल्यू इज इक्वल टू एच स्क्वायर आर, रेडियस ऊपर वाली साइड पे है तो ये डायरेक्टली रिलेशन बनेगा, इसका आंसर बी बन जाएगा। वन मोल ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स, अब देखें वन मोल में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, तो अगर मैं कहूं 60.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज तो ये गलत होगा क्योंकि वन मोल है, तो वन मोल में 6.02 मॉलिक्यूल होने चाहिए। 36.12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 6 है, 6 एटम है लेकिन मॉलिक्यूल तो 3 बनेंगे ना क्योंकि 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ उसने मॉलिक्यूल कहा है, मॉलिक्यूल 3 बनेंगे, तो एवोगैड्रो नंबर के 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा, 36 नहीं आएगा, ये आंसर नहीं बन सकता। इसी तरह देखें 36.12 × 10⁻²³ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं 12, 12 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें 72 आना चाहिए, ये 72 नहीं है तो ये आंसर नहीं। ऑक्सीजन कितने हैं 6, ऑक्सीजन 6 है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें 36 एटम बनेंगे, तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट डी बन जाएगा। इसी तरह देखें आयनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, आयनिक कंपाउंड को मॉलिक्यूलर फार्मूला से शो नहीं कर सकते क्योंकि इनमें आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं होते, तो इसका आंसर सी होगा। इसी तरह 0.3 ग्राम 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें, सल्फर जब ऑक्सीजन से मिलता है SO2 बनता है, सल्फर का मास कितना होता है 32, ऑक्सीजन का 32 और इसका कितना होता है 64 ग्राम यानी एक मोल बनता है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है जो मैंने रेड में लिखा है। अब जो उसने दिया है वो कितना है 0.32 ग्राम है, 0.32 का मतलब है 32 को किससे डिवाइड किया 100 से, इसको भी 100 से, 64 को भी 100 से डिवाइड करें और 1 मोल को भी 100 से डिवाइड कर दें, सबको 100 से डिवाइड कर दें क्योंकि हमें 0.32 बनाना है, तो ये 0.01 मोल बन जाएगा यानी आंसर इसका ए हो जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स सो मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाई 44.828 वॉल्यूम, हमें पता है 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.414, अगर इसको डबल कर दें 22.414 को तो 44.828, अगर इसको डबल कर रहे हैं तो मोल भी डबल करें, इसका मतलब है ये 2 मोल का वॉल्यूम हो जाएगा, आंसर सी बन जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास देखें तो 98 होता है और 98 का 1 मोल बनता है और 1 मोल में हाइड्रोजन कितने हैं 2, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इसमें अगर आप एटम निकालना चाहें 98 ग्राम में मॉलिक्यूल कितने होंगे क्योंकि एक मोल है वो गैड्रो नंबर के बराबर, 2 मोल हाइड्रोजन एटम का मतलब है इसको मल्टीप्लाई कर दें वो गैड्रो नंबर से, तो ये बन जाएगा 12 × 10⁻²³ से। अब ये 98 ग्राम में इतने एटम आते हैं, उसने 98 में नहीं पूछा, उसने 49 में पूछा है, तो आप क्या करें 98 को हाफ करें 49 बन जाएगा, तो आप इसको भी हाफ कर दें, ये 12 की बजाय 6 रह जाएगा, तो ये आंसर बन जाएगा सी, चार्ली हो जाएगा क्योंकि इसको जब 6 बनाएंगे 6 × 10⁻²³
थ्री आंसर बन जाएगा, तो ये सी आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनओ टू विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, आपने बताना है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए एनओ टू कितने मोल चाहिए। तो देखे जरा, अगर एनओ टू का 1 मोल हो तो उसमें ऑक्सीजन 2 है, ओ टू है, 2 मोल है, 2 मोल का मतलब 32 ग्राम है। लेकिन हमें 32 ग्राम नहीं चाहिए, हमें 16 ग्राम चाहिए। अगर मैं 32 को 16 कर दूं यानी आधा कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, एनओ टू के मोल भी आधे रह जाएंगे। तो इसका आंसर बन जाएगा 0.5, यानी डी आंसर बन गया। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी आइसोटॉप्स हैव इवन एटॉमिक मास एंड इवन एटॉमिक नंबर, कितने आइसोटॉप्स हैं जिनका मास नंबर इवन और एटॉमिक नंबर भी इवन है। तो ये आपने आइसोटॉप वाले टॉपिक में पढ़ लिया होगा, टोटल 280 होते हैं, 280 में से 154 का इवन एटॉमिक नंबर और इवन एटॉमिक मास होता है। ये डियर स्टूडेंट्स आज का टेस्ट, इसका आंसर ए हो गया। अगर कोई भी आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज करके, कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।